पानी की समस्या है ना वाली आगे में, ये मैं खुद हो सकता है आगे मेरी जगह कोई और है मिल रहे हो, पर मैं खुद इस चीज में लग गया आगे पानी की समस्या और एक दर्जे माँ की वाली समस्या मैं गुरुगन के सामने खड़ी। बोले सो निहा पहली कलम से आपका कर्जा माफ होगा और पानी की समस्या एक साल के अंदर अंदर जरूर आपकी समस्या हम लोग दूर करवाएंगे। मैं इतना ही कह सकती हूँ क्योंकि उससे पहले इलेक्शनों से पहले मैं बहुत बड़े बड़े वादे करके तो मैं फल कह नहीं सकती इतना कुछ, पर अगर तुम शंत को चंडीगढ़ पहुँच गए तो क्या आत्म कलाम हो तो मैं दोबारा है ना अगर मैं ये काम ना करूँ तो मैं वोट मांगने के लिए आऊँगी आप लोगों के पास। एक बार आप बढ़ा दो उसको, आप लोग भी गुरुगंज के सामने बैठे हो, नई नई पार्टी में हर नई का उठ से होंगी मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि जब भी अरदास करो तो आप ये कहना कि एक बार उस बच्चे को मौका दे के देखो वो आपके हर काम पूरे करें। इतने कहूँगी गौशाला का है तो आज सबसे ज्यादा जब हम देखते हैं ना तो जहाँ माँ शब्द आ जाता है ना चाहे तो वो गौ माँ हो चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, पृथ्वी को भी हमारी बोलते हैं धरती माँ, तो गाय को भी हम गौ माता बोलते हैं और हमारी जो गंगा है वो भी उसको भी गंगा मैया बोलते हैं। तो आज तीनों की ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है समाज में सबसे ज्यादा गायों को ये लोग इतनी ज्यादा सर्दी में भूखी प्यासी सड़कों पर घूम रही है बहुत ज्यादा और जो प्लास्टिक मैं माता और बहनों से बात कर पाऊंगी कि जो पॉलिथीन हम लोग आज यूज कर रहे हैं प्लीज उस पॉलिथीन को बंद कर दो क्योंकि जो पॉलिथीन हम यूज कर रहे हैं वही पॉलिथीन हम बाहर फेंक रहे हैं। और कितनी गाय आज जो सड़कों पर गाय घूम रही है ना उनका अगर हम ऑपरेशन करके देखें ना तो जितनी गाय मर रही है और ऑपरेशन के बाद में देखो तो उनके 20-20 किलो जो पॉलिथीन है उनके पेट से निकल रहे हैं। तो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि घरों में जो आपके पुराने कपड़े बनते हैं, मैं बार बार हमारे ना बहुत औरतों की बात कहती हूँ कि जो पुराने कपड़े हैं आपके पुराने सूट हैं शॉल है आप उनके बैग बढ़ाओ और कम से कम जब आप मंडी में जाते हो तो उन कपड़े के बैग लेके जाओ या आप ये पॉलिथीन बंद करो क्योंकि इस पॉलिथीन से जानी धरती में जाता है। वहाँ 300 साल तक कोई भी फसल नहीं होती क्योंकि धरती को बर्बाद कर रही है पॉलिथीन से। जमीन में जाने के बाद में हमारी दरार बिल्कुल बंजर होती जा रही है इस पॉलिथीन की वजह से। अगर हम गायों को देखें तो जो जो पशु इस पॉलिथीन में खा रहे हैं वो हर पशु मर रहे हैं। एक तो सर्दी में खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और एक ही जो गंदगी हम पॉलिथीन की फैला रहे हैं इस वजह से। और हरिद्वार जाके देखो गंगा मैया को तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिथीन की वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी है कि जब उसका सर्वे किया और उसका पानी चेक किया है ना तो सबसे प्रदूषित जल जो निकला है वो गंगा मैया का निकला है। मैं आपसे ये कहूँगी कि पॉलिथीन बंद कर दो और जब भी माता और बहनों को जितने टाइम दे आप गौशाला की थोड़ी सी सेवा कर दो गौ माँ की तो इतने में ये आप भैंस की चाहे कितनी सेवा कर लो भैंस कभी आपके दरवाजे पे आके कभी से नहीं लाए कभी भी चाहे आप उसको कितना ही गुड़ दे दो कितना ही चारा डाल दो कितना कुछ भी। और गाय के पीठ पर अगर आप एक बार हाथ घुमा दोगे ना उसको तो वो हर बार दूसरे एक दिन आप उसके सिर पे आ रखो दूसरे दिन वो आके आपके दरवाजे पे आके जरूर आवाज देगी कि मैं आके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो गाय और भैंस में इतना पशु है तो उनको पालो बहुत अच्छी बात है मैं ये नहीं कहूँगी कि भैंस ना रखो पर आप कभी भी गाय को जरूर आजमाना कि एक बार अगर गाय भूखी आपके दरवाजे पे आई है और आपने उसको भूखी डली है एक रोटी दे दी तो वो दूसरे दिन आपके दरवाजे पे जरूर आएगी इतना भोला पशु है ये बेचारा। तो इसकी सेवा करो और मैं ये कहूँगी कि पशुओं की ममता अगर आपके अंदर है तो सही मायने में आप एक बहुत ही नेक इंसान हो। इन जीवों से प्यार करो इनकी दुर्गति ना हो दुर्गति आज बहुत ज़्यादा समाज में गायों की दुर्गति है। और मैं मेरे पर्सनल उससे मैं 11,000 रुपये एक गौशाला को देने जाऊंगी। बोले बाकी हमने राज्यसभा से 5 लाख रुपये और जब गौशाला बन जाती है तो मुझे लगता है हर आदमी का कर्तव्य बन जाता है कि किसी भी प्रकार से गौशाला में कोई भी कमी ना आए। बाकी परविंदर भाई साहब ने बताया है इन्होंने भी दान किए और मैं फिर आपसे करूँगी कि आप के पास
अगर जब जब भी कोई और साधन जुटे समाज सेवियों से तो आप गौशालाओं में जरूर दिलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।